टाटा मोटर्स और उबर के बीच 25,000 एक्सप्रेस टी इलेक्ट्रिक वाहनों की डील हो गई है, जिसके बाद टाटा मोटर्स उबर को 25,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सप्लाई करेगा। दोनों कंपनियों के बीच हुए एमओयू के अनुसार उबर अपनी प्रीमियम श्रेणी की सेवा में इलेक्ट्रिक सेडान का इस्तेमाल करेगी। इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद में उतारा जाएगा। मुंबई स्थित ऑटो विनिर्माता इस महीने से चरणबद्ध तरीके से उबर फ्लीट साझेदारों को कारों की आपूर्ति शुरू करेगी। एक्सप्रेस टी की दिल्ली में शोरूम कीमत 13.04 लाख रुपए से शुरू है। एक्सप्रेस टी की 315 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ी की कीमत 14.98 लाख रुपए है और इसके लिए 2.6 लाख रुपए की फेम सब्सिडी मिलती है। टाटा मोटर्स के यात्री वाहन और टाटा यात्री इलेक्ट्रिक गतिशीलता के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने एक बयान में कहा कि देश में टिकाऊ गतिशीलता बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता के तहत हम भारत के प्रमुख सवारी साझा करने वाले मंच उबर के साथ साझेदारी करके खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से ग्राहकों को उबर की प्रीमियम श्रेणी की सेवा के जरिए पर्यावरण के अनुकूल ईवी सवारी का अनुभव मिलेगा। आज की दूसरी बड़ी खबर आ रही है सिंगापुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सीन लूंग ने आज UPI और सिंगापुर के पेनाव की शुरुआत की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस लॉन्च इवेंट में मौजूद थे। इसके साथ ही UPI क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत हो गई है। दो देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए UPI और पेनाव को लिंक किया गया है। इस पहल से दोनों देशों के बीच के लोग आसानी से पैसे भेज सकेंगे। ली सीन लूंग ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के लोगों के बीच कनेक्टिविटी में तेजी आएगी, दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा, लोग आसानी से पैसे भेज सकेंगे, दोनों देशों के बीच के संबंधों में मजबूती आएगी। UPI पेनाव लिंक का फायदा भारत और सिंगापुर दोनों देशों के बीच के लोगों को मिलेगा। सिंगापुर में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के परिवार वाले अब उन्हें आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। वहीं सिंगापुर में रहने वाले भारतीय आसानी से भारत में रहने वाले अपने लोगों को पैसे भेज सकेंगे। दोनों देशों के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। भारत और सिंगापुर के बीच पेमेंट सिस्टम जुड़ने से दोनों देशों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लोग आसानी से और सस्ती दरों में फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि अब तक NRI UPI के जरिए लोगों को ट्रांजैक्शन की सुविधा तो मिलती थी, लेकिन केवल उन्हीं को जिनके पास भारतीय सिम कार्ड फोन उपलब्ध थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब सिंगापुर के लोग बिना किसी झंझट के आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे।